नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर एज के इस क्लास नंबर 4 में। क्या है आपके पास? रैपिड रिवीजन बैच स्पेशल फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और देखिए, आपका टारगेट क्या है? जितने भी पंजाब के एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं इस साल जो पंजाब में होने हैं, तो उन्हीं को देखते हुए बस ये 10 डेज़ का बहुत जल्दी से रैपिड रिवीजन बैच है कि बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन लाए जाएँ। एक ज़्यादा नहीं, एक में कितने क्वेश्चन होते हैं हमारे पास? हाँ जी, जो कर रहे हैं बच्चे जिन्होंने 3 किए उन्हें पता है कि हमारे पास क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है। टाइम क्या होता है? जिदा मैं कहता अमृत वेले 7 AM। क्लियर? सो करियर एज के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं फिर आज की क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलिए, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स बी इक्वल टू 30% ऑफ द प्रिंसिपल, इट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। मतलब टाइम दिया आपको, चलिए देखते हैं। अब देखिए, आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो रहता है सेम हर साल। चेंज क्या होता है आपका? चेंज होता है बेटा आपका कंपाउंड। कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज होता है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि 6 ईयर का मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 30%। तो 1 ईयर का कितना होगा? 30/6 हाउ मच? 5%। तो अब देखो, सिंपल सी बात है, ये क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल मेरे पास 100 है। क्लियर? प्रिंसिपल कितना मेरे पास 100, और मुझे इंटरेस्ट भी कितना चाहिए? सो देखो, कुछ में साफ साफ लिखा हुआ है, ऑफ द प्रिंसिपल इट विल बी इक्वल टू, ओके, 30% ऑफ प्रिंसिपल इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल। इसका मतलब प्रिंसिपल के इक्वल हुआ तो ये मुझे कितना चाहिए? 200%। इसका मतलब अगर एक ईयर में मुझे बेटा 5% मिल रहा है तो ये कितना परसेंट हुआ? ये 100% हुआ। क्लियर? इट इज 100%। तो मल्टीप्लाई बाय 20% या मल्टीप्लाई बाय 20, दैट इज माई मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ओके, एंड ऑल्सो मल्टीप्लाई दिस 1 ईयर बाई 20, सो हाउ मच? इट्स 20 ईयर्स, ओके, सो आंसर इज हाउ मच? 20 ईयर्स। तो कहाँ जुड़े हो यार आप? करियर एजेंसी रूट के साथ हो। क्लियर? सो मोर इंक्वायरीज 9551500041। और 15 तारीख से धन धन आता हो बैच स्पेशली फॉर पंजाब एग्जाम्स। किसके लिए? स्पेशली फॉर आपके ऑल पंजाब एग्जाम्स के लिए 15 तारीख से शुरू हो रहा है। तो प्लीज़ 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 जुड़िए जल्दी से जल्दी, ठीक है, ताकि क्वांटिटी एप्टीट्यूड आपके टिप्स पे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर इंपॉर्टेंट वन। 1 to 50 स्टूडेंट्स अपीयर इन एन एग्जामिनेशन, 50% ऑफ द बॉयज एंड 70% ऑफ द गर्ल्स क्लियर द एग्जामिनेशन। चलो बढ़िया जी, ओके। इफ द टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई इज 60%, हाउ मेनी गर्ल्स अपीयर इन द एग्जाम। देखो सिंपल सी बात है, जब भी आपको ऐसा कोई डेटा दिया हो, देखो मैं कहता हूँ बॉयज और ये क्या है? गर्ल्स। कितने परसेंट पास हुए बॉयज? 50%। गर्ल्स कितनी पास हुई? 70%। और सीधी सी बात है, मेरे पास ओवरऑल कितने पास हुए हैं? 60%। ओवरऑल कितने पास हुए हैं? 60%। दैट्स कॉल्ड एलिगेशन। क्या बोलते हैं इसको? दैट्स कॉल्ड एलिगेशन, ओके। सो इसको जरा माइनस कीजिए, 10। बड़े में से छोटा माइनस करना, दैट्स इट। ये भी कितना हो? 10। इसका मतलब ये कितना है मेरे पास? 1:1। इसका मतलब ये क्या है मेरे पास? 1:1। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ? 2 units = 1 to 500 स्टूडेंट्स। तो आपके पास गर्ल्स कितनी है? 1 unit। 1 unit = 1 to 500 / 2 तो 6 to 50। अगर बॉयज पूछता तो वो भी बराबर होते आपके पास। तो ऑप्शन नंबर डी इज माई राइट आंसर। तो प्लीज़ 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 देखो यार, इतने बढ़िया बढ़िया ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना, ये सोचो एक रैपिड रिवीजन बैच में हम इतना दे रहे हैं, तो सोचो अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे जब बिल्कुल ही डेप्थ में जाके करोगे तो बेटा कितना अच्छा समझोगे मैथ को। क्लियर है? पंजाब नहीं, फिर ऑल ओवर बात की जाएगी, फिर और अच्छे अच्छे एग्जाम्स के बारे में आपको नॉलेज भी मिलेगी और आप कर भी पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखो जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे देखते ही पता चल गया है कि आप कौन सा क्वेश्चन। क्लियर? अ मैन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। मैं कहता हूँ मैन प्लस बॉयज
कितने दिन में करते हैं? 24 डेज में. ओके, इफ फॉर द लास्ट 6 डेज बॉय अलोन डज द वर्क, देन इट इज कंप्लीट इन 28 डेज. देखो अगर मैं क्या कह रहा हूँ, कोई काम ना 24 दिन में होना था, ठीक है, इसको कौन कर रहे हैं? मैन प्लस बॉयज, ठीक है. अब ये क्या कह रहे हैं जी, अब ये और 28 दिन में, क्यों? कि लास्ट के छह दिन कौन काम कर रहा है? बॉय. इसका मतलब यहां तक कितने दिन काम हुआ होगा? 22 दिन. इसका मतलब मैन और बॉय अगर 2 दिन और काम करते एक साथ तो सारा काम खत्म होता. सिंपल सी बात है कि मैन और बॉय और बॉय, ठीक है, मैन और बॉय अगर दो, देखो 22 था ना, 24 में खत्म हो रहा है. इसका मतलब अगर मैन और बॉय टाइम की बात करते हैं, 2 दिन काम कर रहे हैं तो बॉय उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है बच्चों ये, क्योंकि इसको समझने के लिए ओपन माइंड चाहिए, टाइम एंड वर्क के बिल्कुल कॉन्सेप्ट चाहिए. आई एम सेइंग लेट मी चेंज द कलर आफ्टर दैट आई टॉक टू यू. मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये 24 दिन में काम हो रहा है, ठीक है, मैन और बॉय इकट्ठे काम कर रहे हैं तो ये 24 दिन में कर रहे हैं. अगर मैन और बॉय 22 दिन काम करें और लास्ट के 6 दिन में कौन काम करें? सिर्फ बॉय, तो काम 28 दिन में खत्म होता है. इसका मतलब क्या है कि मैन और बॉय ने कितने दिन कम काम किए? 2. और उसी काम को करने बॉय ने कितना टाइम लिया? 6. तो क्या मैं कह सकता हूँ टाइम का रेशियो 1:3 है? देखो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इंटू एफिशिएंसी. अगर वर्क कॉन्स्टेंट है तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1/टाइम बोल सकते हैं. सो एफिशिएंसी इज हाउ मच? 3:1, ठीक है. अब देखिए, अब अगर मैं टोटल वर्क की बात करता हूँ, टोटल वर्क वो क्या होएगा? टोटल वर्क क्या होगा मेरे पास? टाइम ऑफ मैन प्लस बॉय इंटू एफिशिएंसी ऑफ मैन प्लस बॉय. क्लियर है? सो वर्क इज इक्वल टू टाइम 24 डेज और एफिशिएंसी कितने? 3. क्लियर? तो टोटल वर्क मेरे पास कितना हो गया? 72. अब क्या कह रहा है? हाउ लॉन्ग मैन विल टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन. अब देखिए, अब मैन और बॉय की एफिशिएंसी 3 और बॉय की 1 है, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ 2 एफिशिएंसी किसकी होगी? मैन की, और 1 किसकी है? बॉय की. बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बार बार जरूर देखेगा इस क्वेश्चन को. तो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ मैन इंटू एफिशिएंसी ऑफ मैन. सो वर्क इज 72, टाइम ऑफ मैन वी हैव टू फाइंड आउट एंड एफिशिएंसी इज 2. सो आंसर इज 36 डेज, ऑप्शन नंबर डी. मतलब ऐसे क्वेश्चन यार कैसे जबरदस्त, मतलब कितना तगड़ा कॉन्सेप्ट है ना. वरना बुक्स में देखोगे ना लंबे चौड़े एक्स वाई जेड पता नहीं क्या क्या वेरिएबल करते हैं, बट सिंपल से समझने वाली बात है, सिंपल टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट लगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. क्लियर? क्लियर? तो चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत सही से समझ रहे हो. चलते अगले क्वेश्चन की तरफ. चलिए, सैंडी, ओह संदीप भट्टाचार्य मेरे फ्रेंड का नाम है. सैंडी एंड मैंडी डू 8/13 ऑफ पार्क पार्ट ऑफ अ वर्क एंड रेस्ट ऑफ द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाई एंडी. ओके, ठीक है. इफ सैंडी मैंडी एंड एंडी टेक द सेम वर्क देन द शेयर ऑफ एंडी इज, आई थिंक समथिंग इज रिटन, टोटल शेयर इज इक्वल टू 260 ले लो. ओके, टोटल शेयर इसमें 260 ले लो. अगर इसमें नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अदरवाइज कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा, क्योंकि मुझे कुछ दिया ही नहीं है. देखो अब क्या हुआ, मैं टोटल काम मानता हूँ मेरे पास 13 ही है, 8/13 है ना, मैं टोटल 13 मानता हूँ. इसका मतलब सैंडी प्लस मैंडी कितना काम कर रहे हैं? 8. और आपके पास एंडी कितना काम कर रहा है भैया? 5. ये तो हुआ कि 13 में से अगर 8/13, अगर 13 की बात करो, 13 का टोटल है, तो 8 काम कौन कर रहा है? सैंडी प्लस मैंडी, और एंडी कितना कर रहा है? 5. अब देखो, अगर मैंने बोला टोटल 26 हो लो, क्योंकि सारा ऐसे दिया होगा, मैंने माना टोटल शेयर 13 की वैल्यू कितनी है? 2600. किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 200. 26 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कितना हो गया? 200. तो 5 को भी जरा 200 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर इज 1000 रुपीज. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, टेक्निकल थोड़ी सी गलती थी, इन्होंने बताया नहीं मुझे, या टाइपिंग एरर कुछ भी हो सकता है. तो टोटल शेयर 2600 मान लीजिए. क्लियर? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, कोई डाउट वाली बात नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. चलिए,
इफ अ ट्रेन विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिस अ पोल इन 30 सेकंड देन लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर सेकंड। देखिए सबसे पहली बात डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, क्लियर? ये चीज़ तो क्लियर है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखो अब कोई ट्रेन है यार, ध्यान से समझिएगा, ये पोल है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस कर रही है, ठीक है। इस पोल को क्रॉस किया तो इसने क्या किया, 30 सेकंड लिए, ओके, 30 सेकंड लिए। अगर 30 सेकंड लिए तो क्या हुआ, तो ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर किया वो एक्चुअल में क्या है, वो लेंथ ऑफ द ट्रेन ही तो है। तो बस लगा दीजिए डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड क्या है 60, इसको मीटर पर सेकंड में कवर करके 5/18, और टाइम कितना दिया मुझे 30 सेकंड, तो 6×5=30, 6×3=18, 20×60 20×50=100, 6×3=18, 6×5=20, कुछ गड़बड़ ऑप्शंस की कुछ देखें जरा, 60×5/18 दोबारा करके देखें जरा, क्या मैंने कोई गलती की, 6×3=18, 6×5=30, 25×1000, ठीक है, ओ मैंने नहीं देखा, ठीक है जी, ठीक है 500 आएगा, नॉट 1000, इट्स 500 नॉट 1000, सॉरी ऐसे भी 500, ओके, माय आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 500। चलो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, ऐसा क्वेश्चन हर बार, देखो ऐसा क्वेश्चन हर बार एक ना एक पेपर में आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, क्लियर। द एवरेज एज ऑफ 25 बॉयज एंड देयर टीचर इज 15 एज, इसका मतलब कोई क्लास है जिसमें 24 बॉयज हैं प्लस एक क्या है टीचर, इसका मतलब टोटल कितने बंदे हो गए भाई, 25 पर्सन हो गए, ओके। व्हेन द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड देन द एवरेज एज डिक्रीजेस बाय 1 ईयर, इसका मतलब अगर मैं बात करूं 24 बॉयज इनकी एज कितनी है, 24 ईयर एक माइनस होगी, देन उनकी एवरेज एज कितनी है 15, क्लियर, और सॉरी 14 होगी नॉट 15, ये तो ठीक है जी 14 ईयर हो गई, ओके, तो 25 परसेंट थे। अब देखो अगर मैं आपसे बात करूं, जब टीचर इनके साथ था तो टीचर की एज भी कितनी है भाई, 15, क्यों, एक ग्रुप की बात करेंगे, अगर मैं बात करता हूं आपके ग्रुप के एवरेज मार्क्स कितने, किसके 90 होंगे तो 60 होंगे, बट इफ आई एम सेइंग ऑन एन एवरेज हर बच्चे के 70 मार्क्स हैं, एवरेज का मतलब क्या होता है कि आप में से हर 50 70 70 70 लेके बैठा, चाहे किसी के 40 हो चाहे किसी के 50 हो, डजंट मैटर, बट पूरी क्लास की बात करें क्या कहेंगे, इस ग्रेजुएशन की इस ईयर में इतने परसेंट हैं इन बच्चों के, क्लियर, तो पासिंग परसेंटेज की बात करते हैं ना, वैसे क्वेश्चन है कि अगर मैं बात करूं यहां पे भी टीचर की 15 साल होगी अगर पूरी क्लास इंक्लूड करेंगे। अब क्या हुआ, टीचर जब चली गई 15 साल तो उसकी एज है, प्लस वो हर एक बच्चे की एक एक उम्र लेके गई है, क्योंकि हर एक बच्चे कितनी कम हुई है 14, तो 25 + 24 कितने हुए आपके 39 ईयर, तो बहुत ही ब्रिलियंट आंसर है ये, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आई थिंक मैंने कल के टेस्ट में भी था, तो आज भी इसीलिए क्योंकि ये बहुत ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है, क्लियर। तो टीचर ने क्या किया, टीचर ही सेइंग कि भैया मैं तो चली, टीचर ने क्या किया, उधर टीचर की वजह से इनकी एज ज़्यादा थी, ऐसा नहीं कि इन बच्चों की वजह से टीचर की, नहीं, टीचर ऑलरेडी बड़ी हो गई है स्टूडेंट से, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 15, द सेकंड हाईएस्ट नंबर इज, मैं कहता हूं देखो 1, 2, 3 और 4, देखो अगर मैं कहता कि मेरे पास 5 नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, तो एवरेज क्या होती, सेंटर नंबर, बट अगर 4 का केस हो ना, मेरे पास एवरेज क्या होती, इनके बीच का नंबर, इन दोनों के बीच का नंबर, इसका मतलब मैं अगर ये बोलूं कि मेरी एवरेज यहाँ पे कितनी 15, तो डेफिनेटली 16 होगा और ये कितना होगा 14, क्लियर, एक इससे ज़्यादा एक इससे कम, और नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा, इवन नंबर कितना होगा मेरा 18, और सबसे छोटा कितना होगा 12, तो याद रखिएगा जब भी 5 की या जब भी ऑड की बात हो तो सेंटर नंबर, जब भी इवन की बात हो तो बीच के दो नंबर उठाइए, उनको ऐड कीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, आपके पास आ जाएगी एवरेज, क्लियर। जब एवरेज आप पढ़ेंगे बैच में आके करियर एज इंस्टीट्यूट में, बहुत बढ़िया तरीके से ऐसे पढ़ाऊंगा एवरेज कि आपको मज़ा ही आ जाएगा कि यार एवरेज ऐसे भी कभी पढ़ सकते हैं, कि यार एवरेज कैसे कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं, क्लियर। तो एवरेज बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो आंसर इज हाउ मच 16, क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए,
द डायमीटर ऑफ अ टॉय व्हील इज 14 सेंटीमीटर, ये एग्जाम में आ चुका है ठीक है। मेंसुरेशन 2D आपसे कई बार पूछी जाती है, लास्ट ईयर पटवारी में काफी क्वेश्चन थे, क्लियर है। द डायमीटर ऑफ अ टॉय व्हील इज 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होता है आपके पास, हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस इज इक्वल डायमीटर बाय 2 यानी 14 बाय 2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 15 रेवोल्यूशन। अब देखिए एक बात ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूँ ये कोई टायर है, मैं यहाँ से चलना शुरू हुआ, जब दोबारा मैं यहाँ पे आ गया इसका मतलब एक रेवोल्यूशन खत्म। एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इसका सर्कमफेरेंस क्या हुआ, इसका सर्कमफेरेंस मतलब सर्कमफेरेंस कितना हुआ, 2πr होता है इसका सर्कमफेरेंस। तो अगर मैं बात करूँ एक रेवोल्यूशन में कितना होगा 2πr, इतना चलेंगे तो 15 रेवोल्यूशन की बात करूँगा तो कितना चलेंगे 15 × 2 और पाई की वैल्यू होती है आपके पास, लिख देता हूँ मैं 22/7 या 3/4 22/7 और रेडियस इज 7, तो 7 से 7 काटिए तो 30 × 22 तो आंसर इज 660 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ठीक है, तो याद रखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो धड़ल्ले से आपने अच्छा सा आंसर लगाना है ठीक है। तो एक रेवोल्यूशन हो 2πr, अगर 15 हो तो 30πr। तो देखो करियर एच कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेकर है, छांट छांट के ठीक है। चलिए अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मेरे ख्याल आपके एरिया से ही है, एरिया ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर, ओके ठीक है। द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर, ओके। द हाइट ऑफ अनदर ट्रायंगल ऑफ डबल द एरिया हैविंग बेस 20 सेंटीमीटर इज, अब देखो अब ये क्या कह रहा है कि एक और ट्रायंगल है मेरे पास, अरे वाह बहुत सर्दी लाइन खींची है, और उसका बेस मेरे पास क्या है 20 सेंटीमीटर, दे आर राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर, दे आर राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर। इसका मतलब इनका अगर बेस सेम है तो ये हाइट एच हुई, ये क्या कह रहा है, देखो इसका एरिया क्या है, इसका एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, यानी इसका एरिया क्या होगा हाफ इंटू 12 × 15 ठीक है। ये क्या है, इसका एरिया इसका डबल है, तो इसका मतलब इसका डबल और इसका एरिया क्या होगा 1/2 × 20 × h, तो ये कैंसिल आउट कीजिए, तो 2 से जाएगा 10 पे, 5 × 15, 5 × 2 = 10, 2 × 6 = 12, 6 × 3 कितना हुआ 18 सेंटीमीटर, तो हाइट इज हाउ मच 18 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर, इज क्लियर। तो बच्चों देखो मैं साफ से अभी भी आपको एक बात बता रहा हूँ, सबसे बेसिक चीज़ क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वादा करता हूँ अगर आप मेरे साथ आके इस बैच को कंप्लीट लगाएंगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ऐसे करवाऊंगा ना यार क्वांटिटी एप्टीट्यूड में, आप मतलब मजे करोगे पेपर में, जैसे टिक लगा रहा हूँ ना मैं अभी, आप भी ऐसे लगा के आओगे, बट उसके लिए क्या है आना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा और डेली बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए अनदर एरिया वाइज क्वेश्चन, द एरिया ऑफ लार्जर सर्कल दैट कैन बी ड्रॉ इन साइड अ रेक्टेंगल विद साइड 149 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, कल एक मैंने क्वेश्चन करा था सर्कल वाला जो स्केयर के अंदर था, मुझे याद है अभी भी क्लास 3 में किया था, क्लास 4 है। अब देखिए मुझे क्या दिया है, अ रेक्टेंगल इज गिवन टू मी, अ रेक्टेंगल इज गिवन टू मी इन विच रेक्टेंगल की जो साइड है एक 149 सेंटीमीटर एक 14 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा जब भी आप सर्कल बनाएंगे ना, सर्कल आइडेंटिकल होगा, हर साइड से रेडियस सेम होगा ठीक है। देखो अब मैं आपको एक और चीज़ बना के दिखाता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि मैं सर्कल ऐसे बनाता हूँ कि मैंने बोला ये 149 सेंटीमीटर है, मैं ऐसे लेने वाला हूँ ठीक है, अगर मैं ऐसे लेता हूँ तो सर्कल बाहर जाएगा, मेरी मजबूरी है मुझे यहाँ से सर्कल इसके बीच ही बनेगा ना, देखो सर्कल बनेगा ऐसे, क्लियर। तो ये क्या होगा 14, तो रेडियस कितना होगा इसका 7 सेंटीमीटर, तो 149 सेंटीमीटर का इसमें कोई यूज नहीं है, सिर्फ 14 से ही आ जाना था, अगर ना भी दिया होता ना
ये दिया होता कि दूसरे सेट 14 से बड़ी है तो आइडेंटिकल मान के मैं कर सकता, तो व्हाट अबाउट इट्स, व्हाट अबाउट इट्स एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो आंसर इज हाउ मच, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या मीटर स्क्वायर जो भी आपको दिए। तो होपफुली ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको समझ आ चुका है, क्लियर है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप आज के बहुत बढ़िया बड़े क्वेश्चंस के जस्ट मिडल में आ चुके हैं, आई थिंक 20 क्वेश्चन भी है टुडे, ओके, बिकॉज हमारे 20 क्वेश्चन ही होते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी सर्कल होगा स्केयर के अंदर तो स्केयर की साइड हो जाएगी, बट रेक्टेंगल में जब भी होगा तो जो उसकी छोटी साइड होगी उसका हाफ करेंगे तो इसका क्या आएगा, रेडियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 प्लीज ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 प्लीज ट्राई करें। चलिए स्टूडेंट्स, लेट अस डू दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेइंग द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 1500, ओके, आई एम सेइंग एक एक्स है एक वाई है, इसका मतलब मुझे क्या दिया है, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू हाउ मच, 1500। इफ वन नंबर इज फोर टाइम्स द अनदर, अगर मैं कहता हूँ वाई एक्स का चार गुना है तो एक्स इंटू फोर एक्स इज इक्वल टू 1500, ठीक है जी, तो फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1500, तो x कितना आएगा मेरे पास, काटिए जरा ये कितना आया, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, इट हैज टू बी 2500 नॉट 2500 आएगा, 1500 से नहीं आ सकता है, 2500 होगा, मे बी सम कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है जी, 2500 होगा और 1500 से हमारा तो इनमें से कोई आंसर आ ही नहीं सकता, तो ये कितना होगा, 1250, फिर दो से काटे कितना आएगा, 625, तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरी, 100 625, तो ये कितना हो गया, 25, तो मुझसे क्या पूछ रहा था, सम ऑफ टू नंबर्स इज कितना होगा, 5x, यानी ये 4x होगा और ये x 5x, तो 5 × 25 इज इक्वल टू 125, क्लियर है, तो ये 2500 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चलिए अनदर बढ़िया क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम ऑफ रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। देखिए मैं कहता हूं मेरे पास a प्लस बी दो नंबर, ये क्या है, ये कह रहा है ये 15% है किसका, आपके लार्जर नंबर का, मैं कहता हूँ ए मेरा लार्जर नंबर है, ठीक है, सो काटिए जरा 3/20, ठीक है जी, सो 20 × a + b इज इक्वल टू 3a, सो 20a + 20b इज इक्वल टू 3a, सो 28 − 3a इज इक्वल टू 20b, इट हैज टू बी डिफरेंस, ओके 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 ओके, जब भी मैं कहूँ इट इज डिफरेंस तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा तो अब कुछ चेंज आएगा, देखें, चलिए ये माइनस है, भी मेरे पास माइनस है, सो 20a − 20b इज इक्वल टू 3a, सो इट हैज टू बी 20 द डिफरेंस 15% ऑफ देयर सम, के ए प्लस बी नॉट ग्रेटर नंबर, ये गलती थी, ए प्लस बी तो 3a + ऑफ, मैं भी घूम क्यों नहीं हो सकता, मैंने सम ऑफ द लार्जर नंबर देख लिया, चलो, सो 20a − 3a इज इक्वल टू 3b + ऑफ 20b, क्लियर, सो 17a इज इक्वल टू 23b, सो a / b इज इक्वल टू 23/ 17, विच इज ऑप्शन नंबर ए, ओके, तो कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन कर रहे हो, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ें। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखिए द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाय, अच्छा क्वांटिटी, ओके, मैं कहता हूँ ओरिजिनल इनिशियल होगा और ये फाइनल होगा, क्लियर, प्राइस की बात चल रही है, वो कह रहा है बढ़िया बात बेटा, 20% इज इक्वल टू हाउ मच,
1/5, इसका मतलब जो इनिशियल क्वांटिटी थी 5 प्राइस, अब कितना हो गया 4। अगर इसका मतलब क्वांटिटी कितनी होगी, होगी 4 से 5, ठीक है। नाउ अ पर्सन कैन बाय 500 ग्राम मोर शुगर फॉर 36 रुपीज़। 500 ग्राम मोर, इसका मतलब अगर मैं बात करूं एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 500 ग्राम, डिफरेंस कितना कह रहा है, पहले 4 खरीद रहा था 5 खरीद रहा है, बट एक यूनिट की वैल्यू 500 ग्राम होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 500 ग्राम कीजिए कितना हो गया 2 kg, वे 2 kg, और ये कितना होगा इनटू 0.5 kg कर लो, ये कितना होगा 2.5 kg। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर किलोग्राम वॉस, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर, तो प्राइस क्या होगा, प्राइस क्या होगा आपके पास 36, एक्सपेंडिचर क्या होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो 36 इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, कौन सा पूछ रहा है ओरिजिनल प्राइस यानी ये वाला 2, तो कितना होगा 3 रुपीज पर केजी। ओके, अगर फाइनल पूछता क्या करते 18/2 कर देते फिर आप इसको, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्रॉफिट लॉस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, चलिए करते हैं फिर इस क्वेश्चन को किस बात की देरी। तृष्णा ब्रॉट अ कैमरा एंड पेड 20% लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस। देखो मैं कहता हूं लेट ओरिजिनल प्राइस बी 100%, ओके, लेट ओरिजिनल प्राइस बी 100%, तो मैं क्या करूंगा, देखो उसने कहा 20% लेस पे कर रहे हैं, तो -20 कर रहे हैं, तो यानी उसने 80% पे किया होगा, क्लियर। अगर बेटा उसने 80% पे किया होगा और फिर वो क्या कर रहा है, ही सो डेट 40% ऑफ द प्राइस ही हैड पेड, इसका 40% नहीं, जो उसने पे किया है उसने कितना पेड किया है 80%, यानी 80% का 40%, तो 8 × 32 कितना हो गए प्लस 32%, तो ये कितना हो गया 112%, क्लियर। तो क्या करता है परसेंटेज जो प्रॉफिट अर्न बाय कृष्णा ऑन द ओरिजिनल प्राइस, इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस था 100, आप उसको कितने का बेच रहे हो 112 के, अगर वो 100 का खरीदता यानी किस पे खरीदता ओरिजिनल प्राइस पे, इफ ही बॉट एट ओरिजिनल प्राइस तो कितने परसेंट का होता। बहुत सुंदर क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, मार्क दिस क्वेश्चन एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, क्लियर। एक बार दोबारा आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन में, कृष्णा ब्रॉट अ कैमरा एंड पेड 20% लेस, क्लियर। इसका मतलब कृष्णा ने क्या किया, कोई ना कैमरा खरीदा और उस पर 80% दिया, यानी 20% का उसको डिस्काउंट मिला है कुछ। अब वो क्या करता है, इस 80 रुपये पे 40% का प्रॉफिट कमाता है, यानी कितने का प्रॉफिट कमाया होगा 32 का, इसका मतलब 80 पे 32 का प्रॉफिट तो कितना होगा 112। द क्वेश्चन इज आस्किंग कि अगर वो 100 में खरीदता तो कितना परसेंट का मिलता प्रॉफिट, तो कितना मिलता 12%। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन है, बिकॉज कहाँ कर रहे हो, करियर एज पे कर रहे हो, कहीं और कर रहे हो तो मुश्किल होता है, बट करियर एज पे तो आसान ही है, बिकॉज हमसे पढ़ोगे तो यार क्वालिटी तो मिलेगी ना, हम क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ध्यान रखिएगा। अ ट्रेडर बायस 800 kgs ऑफ टमेटोज फॉर 7200, क्लियर। 10% ऑफ टमेटोज आर डैमेज, ओके, इसका मतलब 800 का 10% कितना होगा 80, इसका मतलब 800 - 80 कितना हो गया, मेरे पास 720 टमेटोज बचे हैं, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इन 720 टमेटोज का मेरे पास प्राइस कितना है 7200 रुपये, क्लियर। एट व्हाट रेट पर केजी शुड ही सेल, यानी अगर मैं सिंपल सी बात करूं 100 से काटूं इसे, अगर मैं 72 से काटूं इसको तो ये कितना आ गया 100, और ये कितना आ गया 1000, क्लियर। कि अगर 100% की वैल्यू होती कितना आता 1000, अब ये क्या कह रहा है, उसको 30% का प्रॉफिट चाहिए, तो अगर 30% की वैल्यू निकालूं कितना है कि 300, तो कितना हो गया सीधा सीधा 13%, सीधा सीधा क्या हो गया 13%,
यानी 10 की चीज आप किसे बेचोगे, 100 में 1 की 10 में, तो 13% तो चाहिए, बात खत्म हो गई। ऑप्शन नंबर बी बहुत आसान सा क्वेश्चन, कुछ था इस क्वेश्चन में, क्लियर 13%, ठीक है, क्योंकि क्या चाहिए 100 के 1000, तो 13% ही तो चाहिए ना बच्चे, क्लियर। चलिए बिकॉज 10 की चीज जब आप 13 में बेच दोगे जब भी तो प्रॉफिट होगा, क्लियर, 10 की चीज को 13 में बेचना पड़ेगा। चलिए इन 3 ईयर्स रेट 3000 अमाउंट टू 3990 एट एक्स परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो ये क्वेश्चन ना कंठस्थ कर लो, आपको बताता हूँ कैसे। देखो जब मैं कहता हूँ 3000 कितने हो गए, 3993, इसकी कटिंग करो जरा, यानी 1000 की चीज आपको कितना दे रही है, 1331, क्लियर है, ये प्रिंसिपल है और ये क्या है अमाउंट। अब उठाओ जरा 10% को, 8 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 3.3% नहीं होगा, कैसे, इसका क्यूब रूट ले लो, क्यूब रूट लो, इसका मतलब 10 का क्यूब क्या होता है 1000, और 11 का क्यूब कितना होता है 1331, इसका मतलब 10 रुपये की चीज़ कितनी होगी 11, यानी 1/10 कितना हो गया 10%। डायरेक्ट ऑप्शन से उठाना है क्वेश्चन अपन ने, क्लियर है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन से उठाना है बेटा अपन ने क्वेश्चन, क्लियर है, अपने कोई फालतू की वो नहीं करनी कि 8 निकाल के देखने, 5 निकाल के देखने, डायरेक्ट ऑप्शन जरूर उठाना है हमने, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 3 नंबर्स आर इन द रेशो 3, 4 एंड 5। चलो मैं कहता हूँ 3p, फिर देखेंगे क्या वेरिएबल की जरूरत है, 4p और ये 5p, क्लियर। द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इक्वल टू, अब ये क्या लार्जेस्ट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, तो करो इसको जरा 5p प्लस 3p इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेकेंड नंबर एंड 52, यानी 4p प्लस ऑफ 52। देखो जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ ना, जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ मैंने सिर्फ वही किया, उसको छोड़ के मैंने कुछ नहीं लगाया, जो जो क्वेश्चन में दिया मैंने सिर्फ वो इंप्लीमेंट किया और मैंने कुछ नहीं किया, तो ये कितना हो गया 8p माइनस 4p इज इक्वल टू हाउ मच 52, सो 4p इज इक्वल टू 52, सो p की वैल्यू क्या आ गई 13। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर इज 13 इंटू 3 इज 39, लार्जेस्ट पूछता तो 13 इंटू 5 65, अगर बीच वाला पूछता तो 13 इंटू 4 इज हाउ मच 52, इज दैट क्लियर। सो यहाँ पे आंसर मेरा कितना है 39। तो मज़ा आ रहा है बच्चों, हाँ जी क्या कह रहे हो, हाँ मुझे पता है आ रहा आ रहा आ रहा, अच्छे से पता है मुझे, मज़ा आ रहा आप लोगों को, बिकॉज यार देखो मैं सीरियसली बताऊँ यार, बहुत हम यहाँ बहुत ईमानदार से काम करते हैं, करियर है मेकिंग करियर थीम ऐसे नहीं, बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लेके जा चुके हैं हम जैसे, क्लियर है। तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या है, करियर एज इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े, कैसे जुड़ेंगे, 9551500 41 पर कॉल कीजिए और अपने लिमिटेड से सीट्स को बुक कीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए द रेशो ऑफ एजेस ऑफ 2 बॉयज इज 5:6, ओके ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स देयर रेशो विल बी 7:8, ओके द रेशो ऑफ देयर एज आफ्टर 12 ईयर विल बी, ओके चलिए एक मिनट, चलिए देखिए ये कह रहा है मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, मैंने माना है कि ए है और एक बी है, ठीक है, इनकी पहले एज कितनी है 5:6, क्लियर, आफ्टर 2 ईयर्स क्या होगी 7:8। देखो इनका डिफरेंस अभी कितना है 1, यहां पे भी कितना है 1, ठीक है, देखो ये भी 2 बढ़ रहा है और ये भी क्या बढ़ रहा है 2, तो मैं कह सकता हूं 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 2 ईयर, सो 1 यूनिट कितना हो गया 1 ईयर। दोबारा देखो मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा से देखिए, व्हाट टाइम से मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि आपके पास एजेस दिया हुआ है 5:6 में, क्लियर, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखिए, अगर 2 साल के बाद 7:8 होगी, मैंने आपको क्या बताया था एजेस के केस में, आपने क्या देखना है एज का डिफरेंस, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, अगर 1-1 है तो ये 2 है और ये भी 2 बड़ा है, तो इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 2 ईयर होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 1 ईयर, इसका मतलब ये कितना होगा
प्रेजेंट 5 ईयर और ये कितना होगा 6 ईयर्स, क्लियर। द रेशो ऑफ देयर एज आफ्टर 12 ईयर, इसका मतलब यहाँ पे 12 जोड़िए और यहाँ पे भी 12 जोड़िए, तो ये कितना आ गया 17, रेशो ऑफ 18, ऑप्शन नंबर सी मेरा उत्तर है। तो बताइए बच्चों समझ आया, बहुत बढ़िया बढ़िया से फैंटेस्टिक फैंटेस्टिक से क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा समझ आ रहा होगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा बच्चों, क्लियर। फटाफट से इस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, फिर बढ़ता हूँ आगे, ठीक है। ये जिसका क्वेश्चन दे सकता हूँ उसमें 5 सेकंड के लिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज सेइंग मिल्क एंड वाटर, द मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर आर इन 7:5। देखो एक मेरे पास मिल्क है, एक मेरे पास वाटर है, शुरू में मेरे पास अडल्ट्रेशन मिक्सचर है 7:5, क्लियर है। वेन 15 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड, मैंने क्या किया 15 लीटर वाटर ऐड कर दिया। द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर बिकम्स 7:8। तो मिल्क और वाटर का लेवल मेरे पास मिक्सचर क्या हो गया 7:8, ये इनिशियल था और ये क्या था बच्चे फाइनल, क्लियर। तो अब ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया जब पल्प वाला क्वेश्चन किया था, मैंने क्या बताया था कि कोई ना कोई चीज कॉन्स्टेंट रहती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, वाटर ऐड हो रहा है बट मिल्क मेरे पास उतना ही है, अगर नहीं होता मैं बराबर बना लेता, समझ आ गई बात। मिल्क मेरे पास 7 था तो 7 ही है, तो मैं यहां से क्या कह सकता हूँ, वाटर कितना पड़ा यहाँ पे 3 यूनिट और क्वांटिटी में कितना है 15 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई आपकी 5 लीटर। तो शुरू में टोटल क्वांटिटी कितनी है 7 + 5 कितना हो गया 12, तो 12 × 5 = 6 लीटर के ऑप्शन में है, बिल्कुल ऐसा कैसे हो सकता है हम सॉल्व करें और ऑप्शन में ना हो, क्लियर बच्चों। तो बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन आए हैं आज के लिए, सीरियसली बहुत खुश हूँ कि आज के टेस्ट में इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए हैं, क्लियर। तो चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सो बढ़ते हैं। मैं चाहूँगा कि आप 40 सेकंड का पॉज लीजिए, वीडियो को पॉज करें और इसको प्लीज़ खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, क्लियर है। चलो देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। 75 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन हैज़ 30% शुगर इन इट, ओके ठीक है भाई कोई बात, 30% शुगर है। देन द क्वान्टिटी ऑफ शुगर दैट शुड बी एडिड टू द सोल्यूशन, कि मुझे शुगर ऐड करनी है, तो याद रखे शुगर ऐड करोगे तो जो दूसरी क्वांटिटी है वो क्या रहेगी, हाँ जी दोबारा बोलो, बिल्कुल कॉन्स्टेंट। एडिड टू द सोल्यूशन टू मेक द क्वांटिटी ऑफ द शुगर 70% इन द सोल्यूशन। देखो सबसे पहली बात यार 75 ग्राम है, ठीक है, इसमें आपके पास 30% क्या है शुगर है, इसका 30% कितना हुआ 22.5 ग्राम। अब इतनी जल्दी कैसे किया, नंबर है कॉल करो, सीट्स बुक करो, मैं बताऊंगा, ठीक है बताऊंगा। सो 70% की 70% की वैल्यू कितना ही 52.5, क्लियर। अब देखो अब ये क्या कर रहे हैं, ऐड क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो क्या ऐड हो रहा है, शुगर ऐड हो रही है, क्लियर है, शुगर ऐड हो रही है। अगर शुगर ऐड हो रही है तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये क्या है वाटर, ये क्या हुआ कांस्टेंट, ये क्या हुआ बेटा कांस्टेंट। अब देखो सेकंड जो सोल्यूशन है वो क्या है 100% होगा, क्लियर है 100% होगा, उसमें क्या है 70% का शुगर और वाटर कितना है फिर 30%। तो क्या मैं कह सकता हूं, देखो शुगर ऐड हो रही है बट वाटर जितना पहले था, इन्होंने क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया कि भैया वाटर आपके पास क्या हो रहा है, डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, बस उन्होंने एक बात बता दी कि भैया वाटर जो लेवल है ना वो कॉन्स्टेंट रहेगा, शुगर बढ़ रही है उसकी वजह से वाटर का कंटेंट कम नहीं, वाटर की परसेंटेज कम होगी, तो कैन आई से दैट जितना यहाँ पे था उतना यहाँ होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ 30% की वैल्यू कितनी है 52.50,
तो 3 से काटिए, 10% की वैल्यू कितनी होगी, 17.5। सो 100% कितना होगा, 175 ग्राम। क्लियर? तो इसका मतलब इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी बेटा, 175 ग्राम। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है, पहले 75 था, अब कितना होगा, 75 प्लस कितना जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है, 100, ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों ये धमाकेदार 20 क्वेश्चन थे आज की क्लास के। प्लीज 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 लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलो। और हाँ, करियर एज इंस्टीट्यूट बहुत ही वाइटल इंस्टीट्यूट है जो इतनी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है आपको। तो फटाफट 9551500041 पे सीट्स बुक कीजिए, लिमिटेड सीट्स हैं आपके पास। क्लियर? तो चलिए, तो थैंक यू। प्लीज करियर एच मेकिंग करियर, फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक एंड टेलीग्राम। टेलीग्राम ग्रुप में छुड़िए, कहाँ से 9551500041 पे, ठीक है? और ऑफलाइन क्लासेस के लिए जल्दी खुलेंगी, तो आ सकते हैं आप, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, टेस्ट सीरीज नंबर 5 में। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी आपकी नौकरी लगे, तो करियर एज पे आइए और हमारे साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फिर देखिए क्या बढ़िया तैयारी होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।